डीएस बाबा का तो अपमान हो रहा है, वो अपमान सहने के लिए कांग्रेस में है। मैं पहले समझता था कि उनके रीढ़ की हड्डी होगी करके, उसमें रीढ़ की हड्डी नहीं है, वो भूपेश बघेल के अपमान सहने के लिए ही पैदा हुए हैं, समझ रहे हो ना। तो इसलिए मैंने उनके बारे में कोई बात नहीं कही, मैंने तो सरगुजा की जनता से कहा कि अपने महाराजा 114वीं 18वीं पीढ़ी के महाराजा के अपमान का बदला लो, आप लोग जागो, वो नहीं जग सकते, वो मान लिया है कि अपमान सहना मेरी नियति है कांग्रेस में करके। तीन दिन कैबिनेट मंत्री है। अच्छा एक बात बताइए, क्या विकास भाजपा के शासन में नहीं हुआ था ये बताओ, और कांग्रेस में एक तो बताओ आप मुझे, एक बता दो, मेडिकल कॉलेज कब खुला, यूनिवर्सिटी कब खुली, सैनिक स्कूल कब खुला, ये जो सड़क आ रही है ये केंद्रीय मंत्री का पूछते हो तो ऐसी सड़क बता दो, डबल दोहरीकरण हुआ उसको आप देख लो, एक मिस्टर टीएस बाबा बता दें फ्लैगशिप की चीजें कि मैंने सरगुजा के लिए ये किया। सर एक चीज किया है कि हर जगह लेवी लगी है, एयरपोर्ट अभी तक नहीं मिल पाया है, अभी तक एयरपोर्ट तो अभी तक नहीं मिल पाया, इसमें क्या आम आदमी अर्थात उड़ान जगदलपुर जुड़ गया, समझ रहे हो ना, सरगुजा भी जुड़ जाएगा, चिंता मत करिए आप, ये मोदी जी की सरकार है। मैं बोला ना, और ऐसे छोटे मोटे काम तो सैकड़ों गिना सकता हूँ, मैंने 5-6 ठो बड़े काम गिनाए, टीएस बाबा के लिए एक आध ऐतिहासिक काम है मुझे बता दो आप।